गुड इवनिंग ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଏଜୁକେସନ ଚ୍ୟାନେଲ ଆବେତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। गुड इवनिंग अभिनीत, लवली, ममता, दीपा, तन्मयी, सिद्धेश्वर, राइजिंग स्टार, ओके, ओम प्रकाश, कन्हू, क्यूटी, प्रिया, ओके, ब्यूटीफुल नेम, दुशासन, दामोदर, रजत, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अर्पिता, एंजेल, ओम, अनिल, सुभाष, मिस्टर मजनू, गुड इवनिंग, क्लासिक हंटर, ओके, बढ़िया बढ़िया सब नाम दे। एनिवे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो वर्तमान तो पिला माने ओडिसा रे विभिन्न स्थान जॉइन कर चुके। पिला माने आज आमर आबेतिर क्रिकेट मैच नाई, आबेतिर क्रिकेट मैच आज आम करानी, किंतु लास्ट संडे जो एग्जाम होता तार आज रिजल्ट आम अनाउंस करवा। ओके, तो तुम जान लास्ट संडे जो एग्जाम होता केते पिला ऑल ओवर ओडिसा रे एग्जाम देते, एनी गेस केते पिला जाल एग्जाम देते। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जाले कित्ते पिला एग्जाम देथिले, तमे आशा करूछ जे कित्ते पिला देथिबे, एनी नंबर। ओके, तमे कहि दउछि अप्रोक्सिमेटली अराउंड हजारे पाखापाखि पिला तुम एग्जाम देते है। तो भाव मैं तुम तुम ये ओडिशार सब डिस्ट्रिक्टर 30 डिस्ट्रिक्टर से गवर्नमेंट स्कूल हौ कि शिशु मंदिर हौ कि तुम अरविंद स्कूल सब स्कूल पिला मैंने अच्छा पिला मैंने थाउजेंड पिला नट नट एत नुहे डोंट वरी डोंट वरी है ये नंबर टा आर आर थर को आहरी बढ़ ओके बट एनिवे तो मुझे रिजल्ट भी कहि तुम सहित से इच क्वेश्चन एनालिसिस भी करवा कहीं तुम सब भूलभाल कर। ओके, ठीक अच्छे तले जीवा पूर्व तुम टे रिमाइंड कर दूसरे दुई मिनट भितर आबेतिर कौन कौन सब भेरी इंपोर्टेंट प्रोग्राम चली जोटा कि तुमको बहुत हेल्प कर स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम पे तुम देख पार एव्री संडे 6:30 आम स्पोकन इंग्लिश अच्छी आईटा को तुमको प्रोग्राम टी तुमको बहुत हेल्प कर। तुम जब भावुव जो बोर्ड परीक्षा पर प्रिपेयर हो स्पोकन इंग्लिश कहीं पढ़वी पे मन रख बोर्ड परीक्षा में प्रिपेयर हेल्ले तुमको इंग्लिश पढ़वार अच्छी राइट जब इंग्लिश पढ़वार अच्छी ताहले जो तुम स्पोकन इंग्लिश शिखब ताहले दी पद जी कही पार ताहले चार पद लेखि पार बुझेगा पिला माने सेति पई ताहले तुम जब बुझी पार तो डेफिनेटली रजिस्टर कर आउ क्लास को जॉइन करो। ता सहित आज जो पिला माने सब नुआ आ चैनल को पिला माने क्विकली हम चैनल को सब्सक्राइब कर कारण अभी तो लर्निंग कंप्लीटली फ्री चैनल। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे थी बेल आइकन को प्रेस कर ता सहित तुमने वीडियो को लाइक करो आउ कमेंट भी करो तुमको आउ कौन दरकार ता सहित शेयर मध्य करो व्हाट्सएप हो फेसबुक हो एव्री व्हेयर जस्ट नॉलेज को शेयर कर नॉलेज बढ़े ताको शेयर करो सो दैट कि तुम संग माने द्वारा उपकृत हो। हमारे जो क्लास 10 व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी मोस्ट ऑफ द पिला मतलब लागो जॉइन कर सारी छो जो मैंने जॉइन करने पिला मैंने तुमको जॉइन करो सीट तुम डेली असाइनमेंट एग्जाम अपडेट एव्रीथिंग सीट तुम अपडेट मिल जाए इंटरेक्शन रेगुलर डिस्कशन एव्रीथिंग। ओके, कितना लिमिटेड टाइम पर खोलू किंतु सीट तुमको मिल जाए। रजिस्ट्रेशन पे लिंक पे डिस्क्रिप्शन अच्छी क्विकली जो मैंने दशम श्रेणी जॉइन करी ना जस्ट क्लिक द लिंक। ओके, जॉइन क्लिक करो गोटे सेकेंड तुम जॉइन कर ग्रुप रे। ओके, और रजिस्ट्रेशन करो ये पे तो पे आज गोटे तुम जान एव्री संडे मैंने आम वर्ल्ड भिन्न भिन्न कंट्री भिन्न भिन्न जगह सब देखा जाऊँ तुमने घर बसिक अलरेडी 22 जगह मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड रे बुली सारे बुझेगा तेल आम नेक्स्ट संडे जाऊे गोटे जगा को। ओके, तो किए कहीपर इंडिया ना इंडिया बाहर जस्ट से कि इंडिया को जीवा इंडिया भितर जीवा ना इंडिया बाहर जीवा नेक्स्ट संडे हम जाऊचे इंडिया बाहर को। ओके, ठीक अछि इंडिया बाहर को जाऊचे तो जगह ना होची वेनिस। ओके, तो जगह ना होची वेनिस 27 सेप्टेम्बर 9 PM रे संडे गेस्ट लेक्चर अच्छी आवेदी लर्निंग जगह ना हूँ वेनिस। ओके, तो वेनिस बेसिकली तुमको ब्रीफ आइडिया दे दूँ यहाँ हूँ इटाली गोटे सिटी। ओके, तो
ଆକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ଲେକ୍ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ସିଟିଟା ପୁରା ଲେକ୍ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସିଟି, ଏଇଭଳିଆ ସିଟି ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନେ। ଓକେ, ଭାବ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପୁରା ପାଣି ଉପରେ ରୁହନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଘର ଫର ଚାରିପଟ ଖାଲି ପାଣି, ଦ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସିଟି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଓକେ, ସେ ପିଲାମାନେ ସିଟି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଭାଇନିସ ସିଟି ଆଭେତି ପରିବାର ସହିତ ତମେ ଡେଫିନେଟ ଜଏନ୍ କର। ଆଉ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରଟି ଯିଏ କରିବେ, ଓକେ, ତମେ ଗେସ୍ କର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଣ୍ଟ ଦଉଛି, ଗେସ୍ ଦ ଗେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଏପିସୋଡ 23 ଭ୍ୟାନିସ୍ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ କ୍ୟାନାଲ୍ସ। ଓକେ, କ୍ୟାନାଲ ସିଟି, ତାହେଲେ ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଦେଖିବା ତମେ ଭିତରେ ତମେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ସଣ୍ଡେ 27 9 PM, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆସିବନି ପିଲାମାନେ, ଓନ୍ଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କର, ସୋଦେଟ୍ ତମକୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର କିଏ ନେବେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ସନ୍, କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ନେବେ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ, ତମେ ଯେଉଁ ବହି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢ଼ୁଛ, ତାହେଲେ କିଛି କିଛି କବି ବା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କବି ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତମର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର ହେଇଥିବେ, ରାଇଟ୍? ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି ତମ ବହିରେ, ବହିରେ କିଛି କବିଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର? ତ ସେଇ ଜଣେ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଆର ରବିବାର ଦିନ ଆସିବେ ଅତିଥି, ଆମର ଗେଷ୍ଟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛୁ। ଓକେ, ତ ତମେ ଯୋଉ ବହିରେ ପଢୁଛ, ଏଇ କବିମାନଙ୍କର କବିତା ପଢୁଛ, ତମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନ କି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେବେ ବି ଦେଖିନ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହୁଅ କି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ତମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନାଁ ଲେଖୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଅମକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା, ତ ଇଏ ବି ଜଣେ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର। ଓକେ, ସେ ବହୁତ ୱେଲ୍ ନୋନ୍, ତ ତମେ ଖୋଜ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ ଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ରାଇଟର ଆଉ ନୋଭେଲିଷ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ନୋଭେଲ ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଆଉ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଯେ ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମର ସରକାରଙ୍କର ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଲିଡ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଅଛ, ତ ସେମାନେ ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ଡେଫିନେଟଲି। ତ ତମକୁ ଦୁଇଟା ହିଣ୍ଟ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମିକ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର। ଓକେ, ଆଉ ତା ସହିତ ସିଏ ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା। ଓକେ, ତିନିଟା ହିଣ୍ଟ ତମକୁ ଦିଆଗଲା, ତ ତମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କର କିଏ ସେ ମହାନ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କ ଯିଏକି ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଓନ୍ଲି 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ। ଓକେ, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଦିସ୍ ଅପରଚୁନିଟି, ବହୁତ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବେ ସେଦିନ ଜଏନ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ତମେ କାଲି ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିବୁ, ତମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାନିସ୍ ସିଟି ଉପରେ ତମେ ତମର ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗରୁ ପଚାରି ପାରିବ। ଓକେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ତମେ ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିଲେ, ଯାହାର ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ ପଚାରିବ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ। ଓକେ, ତ ତମେ ଖୋଜ କିଏ, ନାଁ ସବୁ ତମେ ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପକେଇବ, ହେଲା? କାଲି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଯୋଉ ଇରେ କିଏ ଆସିବେ କୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖିବା ତମେ ଭିତରୁ କିଏ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଅଛ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତମ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ନୋ ଆଇଡିଆ ସାର୍, ଓକେ, ସୋ ଯଦି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଖୋଜ, ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ, ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚେୟାରପର୍ସନ ସିଏ ଜଣେ ମହିଳା, ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହିଣ୍ଟ ତମକୁ ଦିଆଗଲାଣି। ଓକେ, ତମେ ଗୁଗୁଲ କର, ଖୋଜ, ତମ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ହେଲା, ତମେ ଡାଟା ପାଇଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓପନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ରହିଲା, ତମେ କହିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପକାଅ, ଯୋଉଠି ପକାଉଛ ପକାଅ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେହି ବି ମିସ୍ କରିବନି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନେଭର ମିସ୍ ଦିସ୍ ଅପରଚୁନିଟି। ଓକେ, ଏଇଭଳିଆ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ସବୁବେଳେ ଆଣିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରେୟାର ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଇଏ କଲାପରେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ, ସରି, ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସଣ୍ଡେରେ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ଯୋଉ ସଣ୍ଡେରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ ବେଷ୍ଟ 200, ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ମୋର ଦେନ୍ 80% ସିକ୍ୟୋର କରିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଆମ ଏକ୍ସାମରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ।
तो पे लिस्टा तुम देखिपार जे ये तुम ना स्कूल ना एवं तुम मार्क तुम 12 रु 12 मार्क परीक्षा होता 12 के रखीच ओके तो विभिन्न स्कूल पिला माने अछंती जेमिति SSVM कॉलेज स्क्वायर अछि एठी पिला माने सब अछंती समान देखि परिबो को पिला माने अछंती सब एथरे आ एटा कंप्लीट ओटे लंबा लिस्ट अछि पिला माने आ एही रिजल्ट ताकु तमे जे देखिबो ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे हमर रिजल्ट बोली लिंक अछि ओके सेटा क्लिक करिक तमे तम ना खोजि परिबो तमे देखो बेस्ट 200 ओडिसा रा टॉप 200 पिला के भीतर तमे अछ कि नै ओके कारण आगो को पिला माने आहुरी बहुत पिला जॉइन करिवे बहुत से पे तुम प्रिपेयर कर सीरीयसली ओके सहित मुझे रखुच्छी आम नेक्स्ट एग्जाम अच्छी केबे ना आम नेक्स्ट एग्जाम होमर 27 सेप्टेम्बर ओके नेक्स्ट संडे वी हाव ए मैंने बड़ एग्जाम अच्छी गोटे दशम श्रेणी गणितर तुम नोट कर कौन कौन सरल सह समीकरण 1A परीक्षा हाब एवं दशम श्रेणी इंग्लीश सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट ओके गोटे ग्रामर एवं गणित दुटा टेस्ट अच्छे पे देखा तो दुटा टेस्ट कौन मैंने नेक्स्ट एग्जाम परफॉर्म करुच बहुत भल भाव 27 सेप्टेम्बर संडे पे डाउनलोड अवेती लर्निंग आप तुम डाउनलोड कर दियो अवेती लर्निंग आप एंड गेट एग्जाम बोर्ड एग्जाम पे रेडी विथ अवेती लर्निंग आप एंड एग्जाम तुम टेस्ट ये अवेती लर्निंग आप दबो ता सहित तुमने एव्रीथिंग से प्राक्टिस कर एनफ क्वेश्चन अच्छी जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन ओके तो गेट रेडी रिमेंबर कि डेट को सेव कर रख 27 सेम दिन पे सेम दिन गेस्ट लेक्चर अच्छी इवनिंग रे सका ऑल ओवर ओडिशा रे क्लास अच्छी मैंने आवेती लर्निंग ऑल ओवर ओडिशा क्लास 10 एग्जाम भी अच्छी ओके 27 सेप्टेम्बर 27 27 27 सेव इट राइट इट डाउन ऑन द पेन एंड पेपर कौन कौन अच्छी दशम देखा यही थर तुम कौ मैंने सब प्राक्ट कर दशम श्रेणी गणित प्रथम चैप्टर और इंग्लीश सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट ओके तो मोस्टली पे MCQ क्वेश्चन मैंने तुम जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो से भाया क्वेश्चन आम करवा ओके तो आज लग पड़ देखा नेक्स्ट टाइम तुम आम बेस्ट 500 लिस्ट भितर तुम आनबू जो मैंने तुम 80% अचीव कर ओके ठीक अच्छे तेल तुम निज रिजल्ट देखिपार वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई तुम से चेक करें जा तुम बहुत प्रश्न पे सब भूलभाल करते ओके तो से जो रिजल्ट देखा पूर्व मुझे तुमको आउटे कहीदेव तुम तो डाउनलोड तो कर पे आप सब नुआ नुआ फीचर आसिमेटेड वीडियो लाइव क्लास तो दिया दिखाई तुम्हारे चैप्टर टेस्ट भी आसूँ और प्रीवियस क्वेश्चन स्टडी नोट भी पे धीरे धीरे एड करूँ और से पे तुम देखो जब क्लास 10 रुम जो सब्सक्रिप्शन अच्छी मैंने फुल कोर्सटा यहाँ कम्प्लीट डिस्काउंट दी जाएगी 2726 ओके तो गोटे वर्ष भितर मैं ये प्राइस तुम एव्रीथिंग तुम पाइब ये गोटे कोर्स भितर है तो से पे मैंने क्विकली जो मैंने सब्सक्राइब कर फुल कोर्स सब्सक्राइब कर सो दैट कि तुम कम्प्लीटली बेनिफिट पाइपर आप भितर सब जिन अनलिमिटेड वीडियो क्वेश्चन एन प्राक्ट सब जिन तुम कर तो तुमने मेसेज करपर ह्वाट्सअप 7894040614 को सो दैट कि आम तुमको कंटाक्ट करूँ कि तुमको कौन असुविधा हो तुम केमी एटा को इफेक्टली यूज कर सांग मैंने केमी एट यूज करके दे हाव सिक्योर्ड मोर दैन 80% इन द लास्ट एग्जाम से जो मैंने परफर्म कर तो डेफिनेटली आप यूज कर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर ओके ठीक अच्छे चल जी बर्तमान रेडी समस्त रेडी बर्तमान क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा तुम्हें तुम निजर मार्क पे देखिपार 200 लिस्ट भितर आउ जो पिला मार्क आम पब्लीश करू तो सही तुम तुम आउ थे सेयार करदेबू जो मैंने सब जहाँ भी रखीच बर्तमान स्टार्ट करवा पे क्विकली नेक्स्ट 15 मिनिट भितर जो 10 क्वेश्चन करते बाटी क्वेश्चन क्विकली तार आंसर मुझे तुमको कहि ओके गेट रेडी विथ खाता पेन जो रेडी जाओ तेल चुपचाप बस पे हाथ पाठी धरिकी डोंट चैट अनेसेसरी तो प्रथम क्वेश्चन थी ये जो क्वेश्चन टी ये क्वेश्चन टा बहुत पिला तुम ठीक कर आंसर देखा जे तुम देखिपार तुम पचरा कौन क्षेत्रफल अनुपात के 1:2:2 जहाँ भी पचरा था तर आर आंसर हूँ बेसिकली तुम गोटे लंब टांकन कर उच्चता बोली कौ क्षेत्रफल हूँ 1:BD×F जोटा कि ABD क्षेत्रफल आ गए ADC क्षेत्रफल उच्चता हूँ F तेल जो अनुपात के क्वेश्चन टाइम पे लाइव क्लास करी 1/2 रेसीओ हो 3:1 ओके तो पे तुम्हें अलरेडी लाइव क्लास बुझे मुझे रिपीट कराया चाहूनी तुमने निजे बुझी नौ वीडियो देखिक नंबर 2 क्वेश्चन थी दुई सम क्षेत्र विश्व त्रिभुज भूमि अनुपात 2:3 हेले से अनुरूप उच्चतार अनुपात के राइट ओके ठीक अच्छे देखिए आम चित्र करवा B1H1B2S2 राइट भूमि हूँ B1B2 उच्चता हूँ H1S2 तेल B1 बै B2 2/3 B2 बै B1 होगा 3/2 आम जाचे
सम क्षेत्रफल माने दिजन कर क्षेत्रफल समान 1 by 2 into v1 h1 जोडे के r क्षेत्रफल दिजन कर r क्षेत्रफल होची 1 by 2 into v2 h2 राइट चले v1 into h1 equal to v2 into h2 ताले h1 by h2 होई जीव 3 is to 2 पे माने एई फार्मूला मन रखियो मन त मानु कहिथिली जो माने मन रखितिबो से माने क्विकली आंसर देई पाथि राइट नेक्स्ट जीव क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली पिला माने करबा आजरा हमें क्लास रे मु जस्ट खाली आंसर त मानु कहूची त माने ट्राई करिचो क्वेश्चन नंबर 3 तो तुम्हें चेष्टा करो तुम्हें को माने यार आंसर को भूल देथिलो को आंसर माने ठीक देथिलो जस्ट नोट करो क्वेश्चन नंबर 3 पे माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला ओके तो एटी एम देछि आ बीएम भी देछि से पचाछि एन आ एससी ओके एटा पचा देछि ओके ए बडा क्वेश्चन पे माने तुम बोर्ड एग्जाम आसीबो सो गेट रेडी फॉर दैट क्वेश्चन ए बडा क्वेश्चन बहुत थरा बोर्ड रे पढि सारिछि तले केमति करबा तो देखो एम देछि बीएम देछि 4 राइट यदि दिता समांतर हला ताले हमें लिखि परबा m डिवाइडेड बाय bn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय nc राइट ताले n होची केते ना 3x nc होची 4x ताले ac केते हिजो टोटल लंबाटा जोरे के n आ ac nc मिसी गला n nc मिसिला 3x plus 4x दैट इज 7x ताले हम जानि छ फार्मूला पकाइ देबा n बाय ac कोटा an बाय टोटलटा हिजो केते 3x बाय 7x दैट इज 3 is to 7 एटा बहुत पिला तमे के भूलभाल करथिलो त पिला मन रखो पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 is to 7 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देखबा एटा केतन ठीक करथिलो पिला माने क्वेश्चनटा मु तमको होमवर्क रे करै थी क्लास रे भी करै थीली किंतु क्वेश्चन के लंबा थिला ए क्वेश्चन नो मार्कटा मा 2 मार्क थिला किंतु वेरी सिंपल क्वेश्चन पिला माने कैलकुलेशन पीकी होची समांतर एबी सहित तले पीसी डिवाइडेड बाय एपी इक्वल टू CQ divided by QP. Only one formula पिला माने first chapter पे तले जहाँ भी तुम्हारा value अच्छी तब ऐसे put कर दला जहाँ तुम्हारा data अच्छी question है x plus y divided by 2x plus 21 sorry equal to x divided by 2x plus 15 okay तले ताकु समाधान कला परे ये calculation part पिला माने तम्हे करियो equal to x equal to 15 centimeter I would insist तम्हाने सब कौन करी जो तम्हे 15 centimeter लेके सही तम्हे तुम्हारा answer सब भूल आस्ती तो पिला माने सेटा को जत लेखिबो हमें बर्तन जो फॉर्मेट रे करूचो तमन जस्ट खाली डाटा टा लेखिबो 15 कि 12 3.5 लेखिबो सेंटीमीटर बहुत पिला तमे रिपोर्ट करथिलो किंतु सेटा को हमें तमे खाली एटा पकेबो कारण तमरो क्वेश्चन जत तमे लक्ष्य करिवो एटी देछि डैश सेंटीमीटर बोली ओके तमु खाली ए वैल्यू टा पकेबार अछि ऑल क्लियर पिला माने वेरी गुड नेक्स्ट टाइम केही भी भूल करिवनी एटा मु कहि दउ छी से एम सेम टाइप रो फॉर्मेट रे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम रे आसी x होची 15 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 पिला माने सेम टाइप रो क्वेश्चन काही तमन को देछि कारण सिमिलर काइंड रो क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड रे बहुत तरह पड़ी छि त सेही रिपीटेड सेही भलिया क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन सब हम तमन को देथिलु जोरा कि चांसेस अछि प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम त ठीक अछि एपी बाय बी हो एपी बाय एबी होची 2/3 बीसी होची 12 सेंटीमीटर तले पीक्यू केते ए क्वेश्चन बे माने करी छि ताले PQ टा समांतर होची बेसी सहित ताले दिटा को त्रिभुज कोण होची APQ एवं ABC होचंदि सादृश्य ताले AP/AB AQ/AC PQ/BC त हमकु दरकार APAB दिछि त APAB सहित हमें नबा PQ और BC कारण हमरो PQ BC जणा छि PQ बाहर करिवा राइट ताले एकदम कैलकुलेशन करले 2/3 PQ/12 ताले PQ हेगला 8 सेंटीमीटर क्लियर पले माने 8 सेंटीमीटर समस्त बुझी पारला यदि न बुझी पारु छ डोंट वरी त माने वीडियो को रिपीट करके देखिबो पिला माने वेरी इंपोर्टेंट कोन जानि छ तमे एग्जाम दउ छ जोटा पे तमे भूल करि छ ताको चेष्टा करो से काहे की भूल आला एई भलिया क्वेश्चन मु परवर्ती मुहूर्त रे करिबिन सेति में वीडियो को भल से देख मन देकी आ ताको लेख प्रैक्टिस करो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट तमे दे भूल करि छ तमे देखिबोनी मते भूल कले भारी खराब लागु छ मु एग्जाम रे खराब करथिली पिला माने परवर्ती परीक्षा रे त मते भूल भी करिवो आ सेइ जिंस रिपीट ही चलिवो आ सेइ जिंस तमरो फाइनल एग्जाम रे सेंसर हाबो सेति पई सबटु बेस्ट प्रैक्टिस होची कोनो भूल करिवार तमरो किछि असुविधा नै भूल करो भूल कले ही सिखिवो जोटा तमे भूल करू छ तमरो सॉल्यूशन डिटेल तमन को हमें दउ छ आकु टिके बसी के देखो तमे को जगह रे भूल कलो तमरो उत्तर काहे कि ठीक पालन तमे कैलकुलेशन भूल कलो कि गुणन भूल कलो कि भग्नाशर मिश्रण फलन भूल कलो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट पिला कैलकुलेशन भूल हेले तमरो उत्तर केबे भी ठीक बारी राइट त जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6
सब इजी क्वेश्चन थिला गोटे मैक्सिमम पिला सब ठीक कर क्वेश्चन थिला निम्न चित्र रे एल थ्री एल फोर रेखा द्वय को छेद करुची के टी थ्री के टी थ्री एवं ए ओ बी बिंदु रे आउ छेदक टी फोर टी फोर किए या सी आउ डी बिंदु रे ताले एक क्षेत्र में अनुरूप छेदन सब किए किए हैं राइट ताले देखो तुम राइट हिसाब ए बी आउ सी डी ए बी आउ सी डी होची अनुरूप छेदांश जेतिक जो अंश रे छेद करुचु समांतर सरलरेखा जो अंशटा सेटा हला अनुरूप छेदांश ए बी आउ सी डी क्लियर पिला माने एटा इजी क्वेश्चन सबुड थिला आ सबुड लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पर क्लिक रे आंसर बाहर जइबो एटा मु तमन को भलसे बुझै छी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 तले क्वेश्चन नंबर 7 होची कोन दत्त चित्र रे l1 समांतर l2 समांतर l3 एवं t1 t2 होची छेदक तले mn होची 2 टाइम्स n ए 2 टाइम्स ऑफ no n और 2 गुना आ no no होची 2 सेंटीमीटर pq pq होची 5 सेंटीमीटर हेले qr पचारि छी वेरी सिंपल फार्मूला पिला माने तमने पकाई परिवो तमरो mn जणा आछी तले no 2 सेंटीमीटर तले mn हे गेला केते 4 सेंटीमीटर राइट तो पिला माने मन देखि सुनो अजथा चैटिंग करनी ओके बहुत पिला तमे चैटिंग करू छ पिला माने जस्ट 15 मिनिट तमे जदि 15 मिनिट फोकस करि परिबनी तले तमे अधिक समय केमिति बसिकि पाठ पढिबो राइट इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू फोकस माने छोटो रो सबले बडो हुवो तो सेति पई 15 मिनिट फोकस करिकि बस आ दुइटा क्वेश्चन अछि राइट त टिके मन देखि सुनो जोले कि तमकु बहुत हेल्प करियो तले फाइनली तले हम लेखि परिबा जे हम एटा जानि छी तीनोटी परस्पर समांतर सरलरेखा जो छेदक छेद करने द्वारा छेदक तो उत्पन्न होते अनुरूप छेदांश गुड़िक दैर्घ्य समानुपात हो तले एम एन बै पी क्यू एम एन बै पी क्यू एन ओ बै क्यू आर एम एन जना अच्छी 4:5 तले एन ओ होची 2 क्यू आर बाहर गला केते दैट इज 2.5 सेंटीमीटर रेडी तो सेतमे 2.5 लेखियो पिला नोट सेंटीमीटर लिखिया दरकार नहीं दैट इज 2.5 सेंटीमीटर जब सब लिखी थी सब परफेक्टली आंसर कर राइट आंसर मध्य पाइच फाइनल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 एक क्वेश्चन टाक पिला माने मु भी क्लासरूम रे करी थी जो माने एटा करी थिबो एब्सोल्युटली त माने ताकू भलसे आंसर दे थिबो आ ठीक आंसर मध्य करी थिबो ठीक मार्क पते पाइथि तले प्रश्न रे पचारी छी एडी दे छी एई अनुपात ए ई अनुपात सी 2:1 तले बी डी केते ओके तले केमती बाहर करिबा आमे जे डी ए ई कोण डी ए ई कोण एटा 50 डिग्री ए डी कोण होची 65 डिग्री तले ए कोणटा केते हिजबो ए डी कोण त्रिभुजर तीन कोण समष्टि 180 डिग्री तले ए डी कोण हेगला 65 राइट 65 डिग्री तले 65 डिग्री गेला परे तमे देखो ए कोणटा एवं ए कोणटा ए डी ई कोण आ टोटल ए बी सी कोण दिटा समान कोण आ अनुरूप कोण बोली हम कहबा अनुरूप कोण दिस कोण समान हैला ताले कोण करबा ना डीटा समांतर बी सी हमें पूर्वपुरु पढ़ी जे उपपाद्य बी सी गला ताले सेही अनुसार हम पके परे वर्तन फार्मूला ए डी डिवाइडेड बाय बी डी ए डिवाइडेड बाय ई सी क्लियर ए ई सी देछि 2:1 2:1 ए डी देछि केते ए डी दर्घ्य दे दे 4 सेंटीमीटर ताले बी डी बाहर जइबो ताले बी डी गला 2 सेंटीमीटर वेरी क्लियर पिला माने दैट इज 2 सेंटीमीटर तो एटा थिला परीक्षा जो 8 क्वेश्चन तमन उदय थिला तार कंप्लीट सॉल्यूशन ओके तो पिला माने एटा को तमन को भलसे बुझै छी आ जो माने आप रु भलसे प्रैक्टिस करथिबो डेफिनेटली से माने फुल मार्क अचीव करथि राइट तल ठीक अछि पिला माने वीडियो आउ थरे भलसे देखिबो रिपीट करकी जदि कोठ तमे भूल करथिलो को जारे हमें केमते एनालिसिस करिछु आ जेमते मु कहली नेक्स्ट संडे गेट रेडी फॉर नेक्स्ट संडे ओके दुईटा चैप्टर अछि सरल सह समीकरण 1 आउ दशम श्रेणी इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ओके तो पिला माने जो माने नेक्स्ट संडे एग्जाम पे रेडी दे टाइप यस इन द चैट बॉक्स देखिबा त माने को माने सब नेक्स्ट संडे गेस एग्जाम पे रेडी टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई विल परफॉर्म वेरी वेल इन द नेक्स्ट एग्जाम देखिबा हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट त माने को माने रियली चाहु छ जे दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा रे मते एथर बढ़िया परफॉर्म करिया रछि ओके जो माने चाहु छ टाइप यस कि हां सर मु तो नेक्स्ट संडे एग्जाम रे आई विल परफॉर्म बेटर मु मोर बेस्ट देबी सबुट बढ़िया करबी आई विल डू द बेस्ट नेक्स्ट संडे 27 पिला माने सकाळ 8 रु गोटे भितरे ओके
27th ସକାଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ରାତିରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଓକେ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଭେରି ପଜିଟିଭ ତମେ ଭେରି କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଅଛ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ ତମେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁଛ ତମେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଦିଅ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ତମର ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ତମେ ତମର ଯେଉଁ ଭୁଲ୍ଟି ଜାଣିପାରିବ କେଉଁଠି ଭୁଲ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି ତମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛ କେମିତି ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିବନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଓକେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତମେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଭିତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତମେ ପୁରା ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ୟୁଜ୍ କର ଭଲସେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ ଭେରି ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓକେ ତ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଆପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ତମେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମ କର ରେଡ଼ି ଭେରି ଗୁଡ୍ ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତମେ ଆଭିତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଜଏନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ତମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲି ଓକେ ସେଇ ମହାନ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ତମେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ ଆଜି ତମ ପାଇଁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ନାହିଁ ଆଜି ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ହୋମୱାର୍କ ଦେଖିବା ତମ ଭିତରୁ କିଏ ଖୋଜିକି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛ ଓକେ ତ ଯେଉଁମାନେ ତମେ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ୍ୱିକ୍ଲି ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ ତମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କର କଲ୍ କର ଆମକୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ତମକୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବୁ ଆଉ ତମକୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିବୁ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ୟୁଜ୍ କରିବ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରି ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଯାହା ତମର ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯଦି ଯାହା ବି ତମର କ୍ୱାରି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ସୁପର ଏକ୍ସାଇଟିଂ ସେସନ୍ରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ୱି ହାଭ୍ ଆଭେତିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ IPL ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରେଡ଼ି ହୁଅ ଭଲସେ ଦେଖିବା ସେଦିନ କିଏ ସବୁ ଛକା 4-0-1-2 ମାରୁଛ ଓକେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ତ ତମ ଆନ୍ସର କ୍ୱିକ୍ଲି କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟ କର ଆଉ ତମେ ତମ ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ମାର୍କଟି ଦେଖିପାରିବ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସରି ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ସେୟାର କରିପାରିବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ